22 जनवरी को अयोध्या नगरी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो पूरे भारतवासियों के लिए बेहद ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला पल है। 22 जनवरी के दिन भारतवर्ष के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी शिमला के राम मंदिर में भी इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस दिन शिमला जिला के सभी संस्थाओं ने मिलकर संयुक्त कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। सुसभा शिमला के अध्यक्ष राजीव सूद ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 20 जनवरी को शोभा यात्रा निकालकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं 21 जनवरी को सुबह 10 बजे ही मंदिर में अखंड पाठ शुरू किया जाएगा। अयोध्या से लाइव प्रसारण दिखाने के लिए राम मंदिर में भक्तों के लिए LED भी लगाई जाएगी, जिसके द्वारा सभी भक्तों को राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। वहीं 22 जनवरी के दिन नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और सूर्यास्त के समय मंदिर परिसर में 5100 दीपक जलाकर रामलला का स्वागत किया जाएगा। वहीं रिज मैदान पर आतिशबाजी भी की जाएगी। जैसे कि सबको विदित ही है, ये 3 दिन का उत्सव मना रहे हैं हम यहाँ पे। 22 तारीख को तो 500 साल बाद ठीक है हमारा वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यहाँ पे मंदिरों में भी उसका पूरा गुणगान होगा, सारे भक्ति में तो हो ही गया। और आप देख ही रहे हैं हम टाउन हॉल के बाहर खड़े हैं, अभी मेयर साहब को भी हम न्योता दे के आए हैं। इसी भांति हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और अपने जितने लीडर ऑफ अपोजिशन सबको दिया है हमने, और हम सब संयुक्त रूप में हम जुड़े हुए हैं इसमें। सूद सभा के डेफिनेटली हमने इसको कोशिश कर की पर, लेकिन सिर्फ सूद सभा नहीं है इसमें, सब 51 NGO जो हैं और सारे मर्दन मंदिर संचालक वाले वो सब हमारे साथ हैं और सबके सब संयुक्त रूप में ये कार्य कर रहे हैं और सब अपने आप ही जुड़ते जा रहे हैं, जिसके हमें कभी लगता भी नहीं था कि कोई जुड़ेंगे, तो साथ में वो भी अपने साथ ही हमारे साथ चढ़ के राम के बैनर के अंदर ही सब कुछ काम होगा। आज देखेंगे टाउन हॉल में भी आपकी भक्ति के गाने गाए जा रहे हैं। अभी मरियर साहब बता रहे थे कि अभी हमने सिर्फ 22 तारीख पर रखा था, पर लेकिन अब ये जो है जो संगीत है ये चलता रहेगा कई दिन, क्या हमेशा 12 महीने चलता रहेगा, तो इससे नेगेटिविटी भी जो है वो पूरे शहर में खत्म होगी और पॉजिटिव का एक पॉजिटिव वाइब्स की भी चेष्टा है। कल का जो सा है राम नाम का उद्घोष करते हुए हम कालीबाड़ी से चलेंगे, कालीबाड़ी से होते हुए हम पूरा लोअर बाजार, माल रोड, फिर अनाज मंडी, कृष्ण मंदिर जाएंगे, फिर गुरुद्वारा जाएंगे और ये कार्य जो हमारी यात्रा है ये संपन्न होगी अपना राम मंदिर में। और जगह जगह लंगर लगेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था के लिए आज किया कि सफाई रखें, डस्टबिन पूरे रखें कि कोई गंद गुंद ना फैले, उसके लिए भी हम आज मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी भी जो है गाड़ी सफाई करने के लिए हमेशा निकली रहेगी बाहर में। सर ये है कि हर मंदिर में, अपने अपने मंदिर में जितने भी हैं, चाहे वो सनातन धर्म मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो, राम मंदिर, राम बाजार जो है सबसे बड़ा राम मंदिर है, वहाँ पे अखंड पाठ जो है उसकी राम ज्योति प्रज्वलित होगी और अखंड पाठ जो चलेगा उसमें सुंदरकांड भी होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी, राम स्तोत्रम भी होगा, ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे और 24-25 घंटे रात दिन वो चल के सुबह 22 तारीख को इसका आहुति पड़ेगी, यज्ञ होगा, अपना हवन चलेगा और उसके उपरांत जो है सीधा प्रसारण जो है वो हमने स्क्रीन्स लगाई हैं जगह जगह और वहाँ पर प्रसारण जो है इसका अयोध्या सा प्रसारण होगा। और शाम को जो है जैसे सूरज ढलेगा तो उस टाइम हम दीप उत्सव लगाएंगे और उसके बाद संयुक्त रूप में अगेन हम सारे यहाँ पे रिज पे आएंगे और यहाँ पे दीपावली मनाएंगे, जो कि पूरा एक फायर डिस्प्ले होगा, उसमें पुलिस बैंड भी हमारे को प्रशासन की तरफ से मिल गया है और पुलिस प्रशासन के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए तीनों दिनों में। शोभा यात्रा एक काफ़ी एक अच्छा रहेगा और सारे के सारे जो स्पिरिचुअल भी, एंटरटेनमेंट भी और एक सेलिब्रेशन मोड पे जो है वो शहर जो है पूरा राम नाम का गुनगाए, यही हमारी आशा है और सबके साथ जुड़ने की। वहीं कार्यक्रम को लेकर नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्हें भी कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है और वे इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल के दोनों छोर पर छोटे स्पीकर लगाकर सुबह शाम भजन लगाए जाएंगे ताकि शहर में सकारात्मकता बनी रहे। बिल्कुल जी हाँ, मेरे राम मंदिर संस्था के जो यहाँ इनकी कमेटी है वो मेरे पास कल भी आए थे और आज भी उन्होंने मुझसे मुलाकात की और एक निमंत्रण पत्र भी मुझे दिया और कल से कालीबाड़ी से इनकी यात्रा शुरू हो रही है। मैं भी इस यात्रा में जाऊंगा और भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव सभी का होना चाहिए, मैं ऐसा मेरा मानना है और ये हमारा अपना श्रद्धा का विषय है और सब लोग जाएंगे। और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आने का संभावना है 21 तारीख की राम मंदिर में, और ये सारा प्रोग्राम करेंगे।
देखिए, मेरा अपना विश्वास है कि मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपने घर पे धूप बत्ती करता है सुबह और शाम, अलग अलग आस्था उसकी है, अलग अलग देवी देवताओं और अपने भगवान के प्रति उसका एक समर्पण, एक भक्ति रहती है। और मैं सोचता हूँ छोटे से लेके बड़ा आदमी, गरीब से लेके अमीर आदमी, सभी लोग अपने घर में अपनी सुख शांति, अपने सुख समृद्धि के लिए सभी प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार की दीर्घायु और पूरे समाज के लिए हमें सभी लोग प्रार्थना भी करते हैं। उसी संदर्भ में मुझे ये महसूस हुआ कि शिमला का हमारा टाउन हॉल है, एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव, ये नहीं है कि मेरा 22 तारीख तक का इसका कोई ऐसा प्रोग्राम है कि मैं 22 तारीख तक इसको लेकर के करूँ, लेकिन वो एक भजन और सत्संग में बहुत ताकत होती है और बड़ी पॉजिटिविटी का माहौल एक बनता है पूरे शहर के लिए भी, और वाइब्रेशंस बड़ी अच्छी आती है। आप कहीं भी जाओगे तो वो उसमें एक, उसके पीछे यही है कि वो 12 महीने मैं सोच रहा हूँ, उसमें सोच रहा हूँ कि मुझे, हमने एक फैसला ले लिया है कि हम छोटे स्पीकर्स जो दोनों टाउन हॉल के दोनों कॉर्नर में सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक लगाएंगे और शाम को भी 6 बजे से 7:30 बजे तक उसको लगाएंगे। हमारा चौकीदार यहाँ होता है, उसको हम कोई टेक्निकली कोई ऐसा नहीं, उसको ऑपरेट करना और उसको चलाना और मध्यम सी आवाज़ में मीठा भजन हो उसको, ताकि एक अच्छे पॉजिटिविटी और अच्छे माहौल में हमारे शिमला को और पूरे प्रदेश को सबको एक भगवान हमारे शक्ति दे और अच्छा माहौल बने, इसके पीछे यही मंशा है। सुनील जी, अभी आप सिर्फ टाउन हॉल में ही सीमित हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, दुकानदार तो सभी लोग करते हैं, आपका शॉपकीपर्स है तो अपनी दुकान को और अपने व्यापार को शुरू करने से पहले सभी लोग अपने करते ही हैं, धूप बत्ती भी करते हैं और अपनी पूजा प्रार्थना भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। वो मैं समझता हूँ अपनी दुकान के अंदर और शॉप में उसका एक आस्था का विषय, वो ऐसे भी करना भी चाहिए, करते भी हैं और सबकी एक आस्था भी रहती है। लेकिन रही बात दूसरी जगह को करने की, लेकिन उस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन कभी मैं अपने सिर्फ टाउन हॉल में ही इसको लेकर के कर रहा हूँ, लेकिन ये 12 महीने रहेगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक फेस्टिवल्स का त्यौहार है, हमारे हर वक्त फेस्टिवल्स हो, कभी नवरात्र है, दीपावली है, दशहरा है, आपके दूसरे फेस्टिवल्स है, सभी उसका एक उसी समय के हिसाब से हम उसको भजन को भी संध्या के रूप में कर सकते हैं और उसकी तरह भजन लगाते रहते हैं। हमारे गायत्री मंत्र है और दूसरे और भी भजन, हर धर्म के प्रति एक आस्था और जो भी जिस तरह का भी कार्यक्रम हो हम उसको करें और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल हो, पॉजिटिविटी आए सभी से। हम अपने ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये माहौल ऐसा जाए कि हम हनुमान जी के जाखू में, इतना बड़ा मंदिर है, उनके चरणों में हम यहाँ विराजे हैं, तो सबसे प्रार्थना, सबके एक पॉजिटिविटी के साथ इसको कर रहे हैं।